टू फैमिली किशन भाई राधे राधे। तो शादी हो गई है लेकिन बाद में भी तो फंक्शन रह जाते हैं ना, तो चलिए उसमें क्या क्या होता है वो सब दिखाते हैं। तो आज है कथा और शाम में ही यहाँ मतलब होता है ना रिसेप्शन टाइप, तो खाना पीना है यहीं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जी शादी तो हो गई लेकिन दुल्हन आने की खुशी में सब देखो कैसे नाच रहे हैं। तो ये सुबह का टाइम है और ये देखो आशीष भैया कैसे लगे पड़े हैं पहाड़ी डांस पहाड़ी म्यूजिक पे। तो आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग और हम निकल लेते हैं। नई दुल्हन पधार चुकी है और सुबह में ही आगे मतलब विदाई तो हो गई थी ना, होटल वगैरह में शादी होती है तो सुबह जल्दी विदाई हो जाती है। तो बस फिर शाम मीटिंग में कथा थी शाम के 6 बजे से। तो कथा वगैरह 8 बजे तक हो गई थी और शाम में भी मतलब प्रोग्राम था तो केक वेक कटा गया। भाई न्यूली मैरिड कपल है तो केक तो बनता है ना, तो केक कटा जाएगा फिर यहाँ भी यहाँ पे तब फिर म्यूजिक लगेगा। मतलब ऐसे तो पहाड़ी डांस म्यूजिक पे इन लोगों ने ढोलक को लग पे जैसे होता है ना तो वैसे डांस कर लिया, लेकिन अब म्यूजिक बजेगा तो डांस होगा, बहुत मस्त होने वाला है। और दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही है, जो इसके लिए ज़रूर कमेंट कर देना। तो भाई नई नवेली दुल्हन आती घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। कोई नहीं कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। छूट गई बता मत देना, तुमको भी खिला देंगे ट्रेनर्स, बता मत देना। तो केक कट गया, खाना भी शाम को मतलब मजे थे यार। 4-5 दिन लगातार था कि आंटी के यहाँ ही खाना है, तो खाना बना नहीं, बस दरवाजा खोलो कि सामने खाना लगा हुआ, मजे आ गए। 3-4 दिन तक खाना ही नहीं बना था शाम घर में, और मतलब सुबह शाम दोनों टाइम का था। और अनु की तो इतनी तारीफ हुई कि मतलब ये कौन सा लड़का था जो लगा ही पड़ा इतना काम कर रहे थे कि सबकी नज़र में आ गए सारे। कविता भी बोल रही थी कि हमारे सारे रिलेटिव पूछ रहे हैं कि ये कौन था भाई, और आंटी भी बाबू तूने बहुत किया। वाकई इनको मतलब कहना नहीं पड़ता, इनको काम समझ में आ जाता है। हम लोग क्या है कि मतलब कहना पड़ता है कि करो। हाँ अंकल और अनु तो एक जैसे हैं, मतलब बहुत ही काम काजी है, मतलब इनको इनकी दोनों लोगों की बहुत सट्टी करती। अंकल तो बोलेंगे हीरा है हीरा, तो अनु को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ सारे ही लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कविता से कुछ पूछ रहे होंगे और ये देखो सारा सामान ला रहे हैं, मीठा वगैरह। मतलब थोड़ा ये लगता है ना कि सब लोग आए हैं तो सबको ऐसे मतलब थोड़ा सर्व कर दो तो कोई मतलब ये दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी क्या है, सब कुछ तो बना बनाया रहता है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो?
तो होता है ना कि मतलब जो यही सब सारा सामान फैला हुआ था, तो मतलब जो भी सामान था शादी के बाद सब हुआ कि चलो ऊपर पहुँचा दो। और बस थोड़े दिन बाद कविता की एनिवर्सरी थी, तो उस पर ये लोग गए हुए थे। मतलब कविता की एक साल शादी नहीं हो पाया था कि इसकी भी शादी हो गई है, छोटे वाले की भी। हमने केक भी काट दिया है, लड्डू भी खा लिया है, लड्डू भी हैं, और नीचे वाले गिफ्ट भी लाए हैं सब लोग मिलके। दो अलग अलग है लेकिन इसमें एक दिखता है कि कवर लगाए थे, अभी निकाले मामी के। तो शादी वाला ब्लॉग तो वहीं तक था, वही हो गए खत्म आज से शादी वाले ब्लॉग। और ये सब ब्लॉग तो आप लोगों को पहुंचा ही चुके, तो बस इसी वजह से थोड़े शादी वाला ब्लॉग लेट हो गए, क्योंकि घर वाले आए हुए थे ना, तो जैसे वीडियो शूट कर रहे थे वैसे ही एडिट करके पहुंचा रहे थे, क्योंकि फिर रहा नहीं जाता है। तो सब आए थे और एक कुछ दिन बढ़िया रुके, मस्त मज़ा, बहुत मज़ा आया। और ख़ास करके आना है तो बस सब तो क्या ही बताएं, इतना मस्त लगता है। तो चलिए, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।